हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डी ब्रॉग्ली थ्योरी के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस पे हम आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करेंगे जो बीएससी में पूछा जा सकता है। इस थ्योरी को डी ब्रॉग्ली ने 1924 में प्रपोज किया था। इनके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दो कैरेक्टर शो करते हैं, एक तो पार्टिकल कैरेक्टर शो करते हैं और दूसरा वेव कैरेक्टर शो करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो दो कैरेक्टर शो करते हैं, डुअल कैरेक्टर, एक तो पार्टिकल कैरेक्टर शो करते हैं और दूसरा जो होता है वो वेव कैरेक्टर शो करते हैं। इन्होंने प्लैंक क्वांटम थ्योरी एंड आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशनशिप को यूज करके जो इलेक्ट्रॉन के द्वारा वेव एसोसिएट होते थे, इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो वेव एसोसिएट होते थे उसको कैलकुलेट किया था। क्या किया था इन्होंने? प्लैंक क्वांटम थ्योरी एंड आइंस्टीन मास एनर्जी थ्योरी को यूज करके जो इलेक्ट्रॉन के द्वारा वेव एसोसिएट होते हैं उसको कैलकुलेट किया था। इन 1924 डी ब्रॉग्ली प्रपोज दैट द इलेक्ट्रॉन लाइक लाइट बिहेव्स बोथ एज ए पार्टिकल एंड एज ए वेव, दैट इज द इलेक्ट्रॉन हैज डुअल कैरेक्टर। यूजिंग प्लैंक क्वांटम थ्योरी एंड आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशनशिप कैलकुलेट द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ द वेव एसोसिएटेड विथ एन इलेक्ट्रॉन। जो आपको हम बताए हैं वही यहाँ पे लिखा गया है। अब आगे देख लेते हैं। ये इक्वेशन होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। डी ब्रॉग्ली थ्योरी का ये मेन इक्वेशन है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। यहाँ से लैम्डा को कैलकुलेट करेंगे, वेयर यहाँ पे जो एच है वो प्लैंक कॉन्स्टेंट है और जो एम है वो मास ऑफ द पार्टिकल है, पार्टिकल का मास है, और वी क्या है, वेलोसिटी है। अब डेरिवेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू प्लैंक इक्वेशन, प्लैंक इक्वेशन आपको पता होगा ई इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू होता है। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, जहाँ पे न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, एंड एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है। अब देखेंगे आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशनशिप, ये क्या होता है, ई इक्वल टू होता है एम सी स्क्वायर, ये आपको पता होगा। ई इक्वल टू क्या होगा, एम सी स्क्वायर होगा। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड को अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमको मिलेगा एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब आगे देखेंगे, ये तो आपको पता होगा कि न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा होता है, सी अपॉन लैम्डा होता है न्यू इज इक्वल टू। तो यहाँ पे क्या था, एच न्यू इज इक्वल टू था एम सी स्क्वायर था, तो यहाँ पे न्यू के जगह पे क्या रखेंगे, सी अपॉन लैम्डा, सी अपॉन लैम्डा रख दिए हैं न्यू की जगह पे, तो क्या मिला हमको, एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर मिल गया आपको। तो क्या होगा, यहाँ से सी और सी कट गया, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एच अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एम सी हो गया था। तो क्या होगा, लैम्डा इधर जाएगा और एम सी को हम नीचे लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा, एम सी एच अपॉन एम सी इज इक्वल टू लैम्डा, ये आपका आ गया ये वाला डेरिवेशन करने पे। और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, सी की जगह पे वी लिख सकते हैं, तो क्या हो गया, एच अपॉन एम वी, एच अपॉन एम वी हो गया। वेयर लैम्डा इज नोन एज डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ, इसको क्या कहेंगे, लैम्डा को डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ, एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड डी ब्रॉग्ली इक्वेशन, इसी इक्वेशन को क्या कहेंगे, डी ब्रॉग्ली इक्वेशन। अब इसको हम और दो प्रकार से लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, आपको पता होगा एम वी इज इक्वल टू क्या होता है, पी, मोमेंटम होता है ना, एम वी इज इक्वल टू क्या होता है, पी। तो आपको क्या करना है, जहाँ पे एम वी है वहाँ पे क्या रखना है, पी रखना है, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी, ये हो गया एक, इस प्रकार से भी आप इसको लिख सकते हैं और एक और टाइप से आप लिख सकते हैं इसको, एक और टाइप से लिख सकते हैं, वो भी देख लीजिए। यहाँ पे देखिए एम इज इक्वल टू पी हो गया, तो अगर आप वी की वैल्यू निकाल लेंगे, वी इज इक्वल टू क्या होगा, पी अपॉन एम, ये हो गया। काइनेटिक एनर्जी आपको पता होगा, काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो होता है 1/2 एम बी स्क्वायर, ये होता है। अब यहाँ पे वी स्क्वायर की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करेंगे आप, पी अपॉन एम, तो क्या होगा, 1/2 एम
पी अपान एम का होल स्क्वायर। तो क्या होगा, एम जो है इससे कट गया, यहाँ पे दो एम है तो एक बचेगा, तो क्या होगा पी स्क्वायर अपान टू एम, ये हो गया आपका पी स्क्वायर अपान टू एम। ई इक्वल टू होगा काइनेटिक एनर्जी ई ना, इसके इक्वल टू क्या होगा पी स्क्वायर अपान टू एम। तो क्या होगा पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा टू एम ई। अब इसका स्क्वायर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट टू एम ई। अब पी की जगह पे हम इसको पुट करेंगे, यहाँ पे इसको पुट कर दीजिए तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा आपका एच अपान अंडर रूट टू एम ई, ये हो गया आपका सेकेंड। इसको इस टाइप से भी आप लिख सकते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको पता होगा कि एम वी इज इक्वल टू क्या होता है पी होता है, तो यहाँ पे जो एम वी है वहाँ पे पी पुट कर देंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एच अपान पी हो जाएगा, एच अपान पी हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप वी की वैल्यू निकाल लीजिए, वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी अपान एम हो जाएगा। और आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, वन बाई टू एम वी स्क्वायर होता है, तो V की जगह पे यहाँ पे रखेंगे P अपान M, तो ये हो जाएगा P अपान M का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे एक M है तो ये कैंसिल होगा, एक M यहाँ पे बच जाएगा। अब देखेंगे आप E इक्वल टू क्या होगा P स्क्वायर टू एम, इक्वल टू क्या होगा P स्क्वायर टू एम होगा। अगर हम P स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा टू एम ई, और अगर स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट फॉर्म हो जाएगा। और यहाँ पे पी की वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे देखिए लैम्डा इज इक्वल टू जो एच अपान पी है, यहाँ पे पी की वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान अंडर रूट टू एम ई। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।